हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाने वाले बहुत ही क्विक स्वीट डिश रेसिपी उन चीज़ों से जो इजीली हमारे घर में अवेलेबल हो। उसके लिए मैंने लिया है पोहा, जो नॉर्मल हम लोग रेगुलर बनाते हैं। गुड़, सूखा नारियल, डेसिकेटेड कोकोनट, खोबरा, खीस। उसके अलावा फ्लेवर के लिए इलायची, ड्राई फ्रूट में काजू, किशमिश है। इसके अलावा 2 टीस्पून शुद्ध घी। सबसे पहले हम लोग पोहे को छान लेंगे, उसके बाद पानी डाल के इसको अच्छे से धो लिया है। धो के मैंने रख दिया है साइड में। अब मैंने रखा है पैन में मैं डाल रही हूँ गुड़। मैंने आधी कटोरी गुड़ लिया है। गुड़ में मैंने 1/4 कप पानी डाला है। डाल के हम सिर्फ इसको मेल्ट करेंगे, इसे हमें चाशनी नहीं बनाना है। जस्ट मैंने मेल्ट कर दिया, बस गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया। अब मैंने एक और पैन रखा है, उसमें मैंने डाला है पोहा जिसे हमने धो के छान लिया था। अब उसमें मैं गुड़ को छान के डाल रही हूँ। छान के डालने से इसमें जो भी डर्ट या गंदगी होती है वो निकल जाती है। अब इसे हम लोग पकने के लिए रख देंगे। ये बहुत ही जल्दी बनता है पोहे का हलवा। ये ट्रेडिशनली जो स्वीट पोंगल होता है उसी तरह का है, उसी का एक क्विक वर्जन है। मैं इसे मिक्स करके ढक के तब तक पकाऊंगी जब तक कि चाशनी में, मतलब गुड़ के सिरप में पोहा अच्छे से पक नहीं जाता है। पोहा अच्छे से पक गया है, चाशनी भी पूरी तरह से सूख गया है। अब मैं इसमें मिला रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट। ये रेसिपी विद इन 10 मिनट में बन के रेडी हो जाती है और बहुत ही टेस्टी है। अगर आपके कोई अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आते हैं तो स्वीट रेसिपी के लिए ये बहुत ही बेस्ट है। आप उन्हें बना के खिलाओ, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं इसे ढक रही हूँ। ढक के मैं दूसरी तरफ एक तड़का पैन रखी हूँ, उसमें मैंने डाला है 2 स्पून घी। घी जैसे गर्म हो गया उसमें मैं ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने डाला है काजू, उसके बाद मैं डालूंगी बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ऐड भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखा नारियल, फिर उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ किशमिश। जैसे ये फ्राई हो जाते हैं इसको मैं पोहे में डाल के एक बार मिक्स करूँगी। मिक्स करके इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 स्पून कुटी हुई इलायची। यहाँ पर हमें गैस का फ्लेम एकदम स्लो ही रखना है। अब इलायची का पाउडर मैंने डाल दिया है, डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ करके ढक के 2 मिनट तक ऐसे रहने दिया है। हमारा बहुत ही टेस्टी स्वीट पोंगल या पोहे का हलवा बनके रेडी है। आप भी इसे बनाइए। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।